दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए ईमेल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखी हुई है, लेकिन उसमें मैंने सिंपल ईमेल भेजना आपको सिखाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ईमेल के साथ अटैचमेंट अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप मुझसे कोई क्वेश्चन ऐप स्क्रिप्ट या ऐप सीट के रिगार्डिंग करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, तो वहां से मैं आपको आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने ऐप स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पर हम अपना ईमेल सेंड करने के लिए अपना कोड लिखेंगे। तो इसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन जिसका नाम हम देते हैं सेंड ईमेल। सेंड ईमेल मैंने किया और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पर फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, जैसे कि दोस्तों मैं अभी आपको इस सीट से कैसे इसके अंदर ले करके आएंगे वो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं डायरेक्टली इसके लिए जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि किस ऑब्जेक्ट के यूज़ करके हम जो होता डायरेक्टली वहाँ से मेल कर रहे थे, सेम उसी तरीके से इस बार भी करेंगे। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि इसके साथ हम अटैचमेंट का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर लेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट का नाम ईमेल टैंपलेट। ईमेल टैंपलेट मैंने किया और यहाँ पर मैं कैमल केस में कर देता हूँ उसको, तो ईमेल टैंपलेट। और यहाँ पर हम इक्वल का साइन दे करके यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लिया और ईमेल के लिए जो जो भी हमें इंपॉर्टेंट जो जो भी पॉइंट्स चाहिए वो वहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। टू यहाँ पे बनाएंगे, सबसे पहले हमें किसे मेल करना है और यहाँ पर फिर हम अपना ईमेल आईडी देंगे अमित, यहाँ पे हम देते हैं tiwari726@gmail.com ऐसा। ये मैंने दे दिया एक ईमेल यहाँ पे बनाया, ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक ईमेल बना दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी देना होगा, मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट देता हूँ और यहाँ पे फिर हम उसका नाम देते हैं मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट, ऐसा मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट यहाँ पे मैंने दिया। और उसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम देते हैं बॉडी भी देते हैं, बॉडी में भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं सिंगल नोटेड कॉमा के अंदर मैं लिखता हूँ डियर, यहाँ पे सब स्टैटिक है अभी कुछ भी डायनेमिक नहीं है, दिस इज योर मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट, ऐसा मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट, दिस इज योर मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये मैंने यहाँ पे लगा दी, मैंने मतलब इसका बॉडी मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर जब ये हो जाने के बाद फिर से आपको कॉमा देना है। अब यहाँ पर जो कुछ जो नया चीज़ है वो है इसके साथ हमें अटैचमेंट देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अटैचमेंट्स नाम का एक जो होता है यहाँ पे वेरिएबल मतलब ये बना लिया ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हमें अटैचमेंट देना है। तो अटैचमेंट जो भी लिखा जाए मैंने बना क्रिएट किया जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किया जाता है। अभी एक चीज़ आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से आप एक्सेल वगैरह पर काम करते हैं उसकी जो भी हम फाइल को सेव करते हैं तो अपने सिस्टम के अंदर सेव करते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप गूगल सीट के अंदर काम कर रहे हैं तो उसकी जो भी डेटा होती है वो गूगल ड्राइव के अंदर होती है। तो गूगल ड्राइव को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए एक यहाँ पे मेथड होता है ड्राइव है, तो यहाँ लेट यहाँ पे हम ले लेते हैं उस जो भी फाइल आप चाहें वहाँ से भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले दिया है एक वेरिएबल का नाम फाइल नेम, फाइल नेम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पर इक्वल का साइन देना है। अब गूगल ड्राइव को एक्सेस करने के लिए मेथड जो है ड्राइव ऐप डॉट, यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल चाहिए जिसका नाम है कुछ फाइल का नेम लेते हैं गेट फाइल्स नेम, और यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग इसमें डेटा नेम को पेस्ट करना होता तो मैं डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर वो नेम ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कोई भी यहाँ पे मैं फाइल को ले लेता हूँ जैसे डेमो, यहाँ पे एक्चुअली राइट क्लिक नहीं हो पा रहा है, इफ़ एंड फंक्शन मैं एक छोटा नेम है तो मैं इसी को लिख लेता हूँ डायरेक्टली। ये
ये मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ले लिया और मैं इसको सेव कर दिया। और यहाँ पर अभी अटैचमेंट्स के अंदर आपको ये फ़ाइल का नेम देना है और इसका फ़ाइल का नेम है, और यहाँ पर एक चीज़ और करना है डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना है। इसके बाद आपको फ़ाइल का नेम दे देना है यहाँ पे फाइल नेम, और इसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देना है। और यहाँ पर ये आपका काम हो चुका है। और अब आपको यहाँ पे सीधे ईमेल करना है, तो इसके लिए हम मेल ऐप को यूज़ कर लेते हैं, मेल ऐप डॉट सेंड ईमेल। और ईमेल के अंदर मैं डायरेक्टली इसी टैम्पलेट को डाल दूँगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सेंड ईमेल यूज़ करते हैं तो उसके जो कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि टू, उसके बाद बॉडी, सब्जेक्ट, तो वो सारा कॉमा दे करके लगाना होता है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो सारा उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, तो मुझे हर पैरामीटर के लिए अलग अलग कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट उसी ऑब्जेक्ट को डाल देने से ही वो सारे हमारे पैरामीटर फिल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये काम हो चुका है, तो मैं इस पर अभी सेमी कॉलन दे देता हूँ। और मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं अपना मोबाइल भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे दिखाई भी पड़ेगा कि मेल किस तरीके से हमारे जीमेल के अंदर आ रही है। तो मैं इसको एक बार आपको इसको सेव करता हूँ एक बार पहले, और यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ। तो इसके लिए मैं अपना स्क्रीन भी ओपन कर लेता हूँ कि ये हमारे स्क्रीन पर किस तरीके से दिखाई देगी। तो मैं डायरेक्टली अपने जीमेल पे आ चुका हूँ, और मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। और ये देखिए हमारा जो भी हमने मेल अभी किया था उसका यहाँ विद पीडीएफ के साथ अटैचमेंट आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और जो जो चीज़ें हमने वहाँ पर दी थी वो सारी जो था हमारा यहाँ पे आ गया। डियर मनीष, दिस इज़ योर मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट, और ये है हमारा वो जो हमने एक्सेल फाइल यहाँ पे दी थी उसको एज ए पीडीएफ कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दिया। क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी इसका मिमी टाइप जो था हमने डिफाइन नहीं किया था, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमने जो ये मेथड लिखा था ये गूगल ड्राइव से, ये जो वहाँ से हमने फाइल को यहाँ से फाइंड आउट किया, उसके बाद जो था हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे उस फाइल को अटैचमेंट के अंदर डाल दिया। अगर हम इसके जो था उसके मिमी टाइप जो होता है ना, अगर उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो वो एज ए पीडीएफ ही उसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमें मिमी टाइप देना पड़ता है। मिमी टाइप एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, ये एक्चुअल में हमारे फाइल की टाइप को बताता है। अगर आपका एक्सेल फाइल हो तो मिमी टाइप डॉट पीडीएफ एक्सेल पीडीएफ करते हैं, अगर एक्सेल है तो एक्सेल एसएक्स ऐसे करना पड़ता है। और अगर आप फोटो वगैरह देना चाहते हैं, कोई जेपीजी फाइल डालते हैं, तो मिमी टाइप डॉट पीडीएफ ऐसे हमें भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया था कि हमारा मिमी टाइप क्या है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो होता है पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। तो और वो सारा डेटा जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे मेल पर भी आ चुका है। और मैं इसका एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, अगर ये नेट आई थिंक मेरा थोड़ा सा स्लो है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये ओपन ना हो, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये फाइल है वो अटैचमेंट के साथ ही यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। और अगर आप लग रहा है यहाँ पे नेट स्लो है मेरा, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेल एज ए पीडीएफ एज ए अटैचमेंट यहाँ पे जा रही है। तो इस तरीके से आप ऐप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप ईमेल विद पीडीएफ आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।